गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस किया था अभी फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अब देख लेते हैं एक अच्छा सा टॉपिक, फोर्स फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए और ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए भी। इसको डेरिवेशन से पहले इसका डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से पहले। ठीक है, कि डायग्राम में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इन्फिनिटी लेंथ का, उसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई वन। अब इस करंट के कारण दूसरा जो कंडक्टर है आई टू, ठीक है, आई टू, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आई वन, और आई टू उसमें प्लेस्ड है। ठीक है, आर वन डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो आई वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी वन बनेगा। क्या बनेगा? बी वन। ठीक है, वो कहाँ होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो B हो गया इनवर्ट डायरेक्शन में और करंट का डायरेक्शन हो गया इस प्रकार, दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरा वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सिमिलरली I2 भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा रखा है? I1। तो I1 क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B1, वो कंडक्टर 2 को एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा F21, मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, करंट फर्स्ट के कारण ठीक है। सिमिलरली ठीक है, और जो B2 बनेगा आई वन पर, वो उसको F12 फोर्स लगाएगा। इस प्रकार दोनों कंडक्टर क्या करेंगे? एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे। डायग्राम समझ में आया है? ठीक है, अब आगे चलते हैं डेरिवेशन की ओर। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जो B1 इनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो B2 है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमने वहाँ पर PPT में डायग्राम देखा था, तो यहाँ पर डायग्राम देखिए ये हो गया I1 करंट के कारण जो I2 कंडक्टर प्लेस्ड है उसमें जो B1 फील्ड बनेगा वो एक फोर्स लगाएगा F21। सिमिलरली I2 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B2 वो पहले वाले पर F12 फोर्स लगाएगा। ठीक है, इनका आप डेरिवेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 एट एनी पॉइंट ऑन कंडक्टर 2 क्या होता है जानते हैं? स्ट्रेट वायर क्या होता है? B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 2πr होता है। हमने एक डेरिवेशन बनाया था, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I1 2πr। I1 क्यों आया? क्योंकि I1 करंट के कारण ये फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो बाय राइट हैंड रूल B1 विल एक्ट परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सेकंड एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इस पेपर के अंदर साइड में। ठीक है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ वायर 2 क्या होता है? ILB साइन थीटा पढ़ा था अपन ने अभी। तो F21 फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू करेंट इन 1 या मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण क्या हो जाएगा? B1 करंट आएगा I2, क्योंकि I2 करंट फ्लो हो रहा है उसमें। लेंथ L और साइन थीटा होगा 90, तो कितना बन गया? म्यू नॉट I1 2πr I2 L। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ठीक है, अब सिमिलरली फोर्स ऑन लेंथ L ऑन वायर फर्स्ट क्या बनेगा? वो ILB साइन थीटा से, इसमें B कौन सा होगा? B2। करंट कौन सा होगा? I1। लेंथ L और साइन थीटा। ठीक है, तो B2 I1 L साइन थीटा।
बी टू कितना बनेगा फॉर्मूला से, म्यू टू करंट क्या है आई टू है, इसमें टू पाई आर डिस्टेंस कितनी है आर, कौन से कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है आई वन वाले पर, तो ये हो जाएगा आई वन एल, तो म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर, देखो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, मतलब एफ टू वन इक्वल टू एफ वन टू इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर इक्वल टू एफ मान दिया है इसको, ठीक है एफ मान लिया कैपिटल एफ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसको स्मॉल एफ बोलते हैं, एल से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, ये बन गया अपना एक फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। न्यूमेरिकल्स करने के लिए म्यू नॉट अपॉन टू पाई की हमारे पास वैल्यू नहीं होती क्या, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट टू आई वन आई टू अपॉन फोर पाई आर, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है टेन टू पाई माइनस सेवन, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, तो इस प्रकार भी एक फार्मूला बन जाता है, बहुत ज़रूरत है इस फार्मूला को, इसको याद कर सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, कहाँ से आया आई एल बी साइन थीटा से आया, फर्स्ट वाले कंडक्टर ने सेकंड पर फोर्स लगाया, सेकंड वाले कंडक्टर ने फर्स्ट वाले पर फोर्स लगाया, ठीक है, और आई एल बी साइन थीटा से हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो आप देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इसी के आगे हम देख लेते हैं अब फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है फील्ड लाइन का पैटर्न बनाने को भी आता है, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो जो फील्ड लाइन इस प्रकार बनेगी, ठीक है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फील्ड लाइन इस प्रकार बनेगी और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक है फोर्स ऑफ रिपल्सन आता है, सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। अभी इसके साथ में आता है डिफाइन वन एम्पियर, जो हमने इलेवंथ में आपसे कहा था कि ट्वेल्थ में बताएंगे कि वन एम्पियर होता क्या है, ठीक है तो इसमें यहाँ पर हम वन एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है म्यू नॉट टू आई वन आई टू अपॉन फोर पाई आर, अब यदि करंट को I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर है, ठीक है 1 एम्पियर और R इक्वल टू 1 मीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 7 न्यूटन, ठीक है ये 2 रह जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन, मतलब एंस 1 एम्पियर इज द करेंट विच बिन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन फ्री स्पेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है मतलब बाहर को अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें और उसमें अगर इक्वल करेंट फ्लो हो रहा है और उसमें फोर्स कितना लग रहा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 तो वो करंट कितनी होगी 1 एम्पियर होगी, ठीक है इस प्रकार हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है तो ये एक पूरा टॉपिक हो गया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है एक नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए ठीक है करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें पी क्यू जो है का वायर है और ए बी सी डी है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो इसको आप देखिए और समझिए और पढ़िए, ठीक है बता सरल सा है, ठीक है देख फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड लगेगा, ठीक है क्यों लगेगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, ये तो हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए इसको देखिए ये वाला क्या है सेम डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन, लेकिन ये वाला पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पी क्यू की साइड आएगा, ठीक है थैंक यू।